गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है मैकेनिक इंटरव्यू पर, और उम्मीद करता हूं मैकेनिकल रिलेटेड वीडियोस, फिटर रिलेटेड वीडियोस, इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड वीडियोस हमने आपको अपने चैनल पर दे रखे, और उम्मीद है वो वीडियोस आप देख रहे हैं। और अपने दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड वीडियोस देख रहे, बहुत कुछ वहां से सीख भी रहे हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हम सेशन लेने जा रहे हैं मैकेनिक बेस्ड है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मैकेनिक का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। सर, एक मैकेनिक के बहुत से वर्क होते हैं। मैकेनिक का वर्क होता है कि जो भी मशीन्स, इंजन्स है, उनको रिपेयर करना, मेंटेन करना और ट्रांसमिशन करना, इन्वेंट्री को मॉनिटर करना, कार और ट्रक्स है उनके व्हीकल्स को असेसमेंट करना, और जो भी मशीन्स है उनको बिल्ड करना, असेंबल करना, और जो कार रिलेटेड पार्ट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सर्च करना, उसे सही करना, डू वेल्डिंग वर्क, और जो भी ऑयल फिल्टर्स है उनको चेंज करते रहना, और इक्विपमेंट्स और टूल्स यूज होते हैं उनको सेफ कंडीशंस में रखना, और जैसे भी व्हीकल के पार्ट्स होते हैं जैसे बेल्ट, मिरर, लैंप्स, इनको टाइम से टाइम चेक करते रहना और चेंज करते रहना, आइसोलेशन, मॉडिफिकेशन, मेंटेनेंस, और जो भी ऑपरेशंस हैं उनको, उनका कार्य एक मैकेनिक का ही होता है। वंडरफुल। आप मैकेनिक क्यों बनना चाहते हैं उनका, व्हाट इज द रीजन? सर, मैं अपनी लाइफ में एक ऑटो मैकेनिक बनना चाहती हूँ, और जो भी कार रिलेटेड वर्क है मैं उसमें अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ, और जो ये कार रिलेटेड जो भी मैगजीन्स होती हैं उनको पढ़ने में अपनी रुचि रखती हूँ, और जो भी मैंने अपना डिप्लोमा किया है वो ऑटो मैकेनिक में किया है, और मैंने 1 ईयर का सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मोटर व्हीकल में भी किया। वंडरफुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैकेनिक किन के साथ काम करता है? सर, ये बहुत से फील्ड में वर्क इजीली वर्क कर सकते हैं, जैसे कार डीलर, टायर शॉप्स, ऑयल चेंज ऑपरेशंस, गैस स्टेशंस, और जो भी फुल सर्विस शॉप्स होती हैं उनमें इजीली वर्क कर सकते हैं। ओके, और क्या आप मुझे टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स बता सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं मैकेनिक्स? सर, ये बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे डीजल मैकेनिक, एयरक्राफ्ट मैकेनिक, ऑटोमेटिक मैकेनिक, ऑटोमोबाइल्स मैकेनिक, और बाईसाइकिल मैकेनिक, साइकिल मैकेनिक, प्लम्बिंग मैकेनिक, लाइन मैकेनिक। ओके, कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स विच मैकेनिक यूज, कौन कौन से इक्विपमेंट्स वो यूज करते हैं? सर, बहुत से इक्विपमेंट्स हैं, मैं आपको नाम बताना चाहती हूँ। ड्रिल, ड्रिल प्रेस, ग्राइंडर, व्हील, और टायर रिपेयरिंग इक्विपमेंट्स, प्लायर्स, हमर, और भी बहुत से हैं सर। ओके, मैकेनिक होने के लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल्स डेवलप होनी चाहिए? सर, जो हैवी मशीन्स होती हैं और जो पार्ट्स होते हैं व्हीकल पार्ट्स हैवी, उनको उठाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ऑपरेटर्स और टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और रिपेयरिंग करने की जो कला है उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। चलिए, फिर मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कस्टमर है वो अनहैप्पी है आपकी सर्विस से, आपने जो भी उनको सर्विस उनकी कार को दी तो वो सेटिस्फाइड नहीं है इस बात से, तो आप क्या करेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर इज़ गॉड फॉर अस, और कस्टमर हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, उनका अगर वो अनसेटिस्फाइड है तो मैं उनकी प्रॉब्लम को सुनूंगी, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी प्रॉब्लम को अच्छी, जो भी उनकी कमी लग रही है उनको, मैं उसे को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। क्या आप 3 ब्रांचेस बता सकते हैं मुझे मैकेनिक्स के? यस सर। सर, स्टैटिक्स, काइनेटिक्स एंड किनेमैटिक्स। ओके, किनेमैटिक्स। चलिए, मुझे ये बताइए क्लासिकल मैकेनिक का अदर टर्म क्या है? सर, न्यूटोनियन मैकेनिक। ओके, फिटिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? यस सर, प्लीज। सर, एल्बो फिटिंग, कपलिंग फिटिंग एंड यूनियन फिटिंग, प्लग फिटिंग एंड कप्स फिटिंग एंड वॉल्स एंड कंपोजिशन। ओके, एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है मोनिका? सर, ये होती है मीटर पर सेकंड पर सेकंड। वेरी गुड। मैकेनिक्स को आप डिफाइन कर सकते हो? यस सर, प्लीज। सर, इट इज ए स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड अदर सराउंडिंग। वंडरफुल। मुझे ये बताइए कि मोनिका, व्हाट इज लेवल 1 मैकेनिक? सर, इन्हें व्हीकल और इक्विपमेंट मैकेनिक कहा जाता है। परफॉर्म माइनर रिपेयरिंग ऑन गैसोलीन एंड डीजल इंजन। ओके, और लेवल 2 मैकेनिक किसे कहा गया? सर, इन्हें ऑटोमेटिक मैकेनिक भी कहा जाता है। okay. और ये सर जो भी ट्रक, लाइट ट्रक होती है, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनको रिपेयर करने का वर्क करते हैं। वंडरफुल। चलिए मोनिका, एप्लीकेशन मैकेनिक्स के कुछ एग्जांपल्स दीजिए। सर, बहुत से एग्जांपल्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग
एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइफ साइंस एंड अदर स्पीक बहुत एग्जांपल्स हैं। वेरी गुड। और हु इज द फादर ऑफ मैकेनिकल? सर जेम्स वाट्स। ओके, क्या आप बता सकते हैं दो जनरल पार्ट्स होते हैं मैकेनिक्स के, तो उनके नेम बता सकते हैं? यस सर, सर क्लासिकल मैकेनिक एंड क्वांटम मैकेनिक। वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SHM? सर इट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी गुड। व्हाट आर द फाइव मैकेनिकल फोर्सेस? सर कंप्रेशन, टेंशन, शियर, बेंडिंग एंड टॉर्शन। वंडरफुल। मोनिका, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है? अगर आप मैकेनिक के लिए आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी आप में, बताइए। सर आई एम जोवियल, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। वाह, दैट्स गुड। और आपकी हॉबीज? सर हॉबीज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स और जो भी टूल्स रिलेटेड जो भी बुक्स होती है उनको पढ़ने में इंटरेस्टेड रखती हूँ सर। ओके, आपका इंटरेस्ट रहता है। यस सर। चलिए फिर हमें आप ये बताइए कि आपकी कोई वीकनेस है क्या, कमजोरी आपकी कोई? सर मैं आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश ग्रामर एंड नाउ डेज आई एम वर्किंग अपॉन इट। इट्स वेरी गुड। एंड लाइक दिस पर्टिकुलर पोस्ट फॉर मैकेनिक डेफिनेटली वी हैव अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड मोर कैलिबर देन यू, फॉर एग्जाम्पल दे मे बी मोर एक्सपीरियंस एंड मोर एजुकेटेड, दे मे बी डन इन देयर इंजीनियरिंग, सो व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू ओनली? सर आई कांट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग इन क्यू लाइक मी, बट आई टेल अबाउट माई सेल्फ, आई एम ऑनेस्ट, पंचुअल एंड फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनैलिटी और मैं अपने आप को काफ़ी अपने वर्क को काफ़ी ऑनेस्टली करती हूँ आज। इट्स वेरी गुड, इट्स गुड। मोनिका आप हमें ये बताइए कि इस इंटरव्यू में मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो हो सकता है आपने मुझ में कुछ वीकनेस देखी होगी इसलिए मुझे सिलेक्ट नहीं किया होगा, तो मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूंगी और नेक्स्ट टाइम फिर से आपके सामने आके बैठूंगी और अपने इंटरव्यू को सक्सेस दूंगी। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस? सर मनी डजंट मैटर फॉर मी, वर्क इज वर्शिप फॉर मी, मनी नॉट एन एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपके लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्क इंपॉर्टेंट है। यस सर, दैट्स गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि टूल्स का, इक्विपमेंट्स का नॉलेज आप कैसे लेते हैं? सर जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो इससे रिलेटेड मैगजीन्स है मैं वो पढ़ने में काफ़ी रुचि रखती हूँ, तो मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, मुझे जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स की नॉलेज है वो इसी से मिली है और कुछ मैं इंटरनेट पर भी ये सब देखती रहती हूँ सर। ओके, क्या आपको जॉब एक्सपीरियंस है? सर मुझे 1 ईयर का कार इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ओके, तो फिर आप जॉब चेंज क्यों कर रहे हैं? सर फॉर माई बेटरमेंट और एक बिग बैनर के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि आप प्रूव कीजिए हमें कि आप एक कॉम्पिटिटिव गर्ल हो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं बचपन से ही काफ़ी है ना कॉम्पिटिटिव गर्ल रही हूँ, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि मैंने अपना करियर कार इंडस्ट्री में बनाना है। ओके, और मैं आज आपके सामने बैठी हूँ तो जरूर हो मेरी कॉम्पिटिटिवनेस के कारण ही बैठी हूँ सर। ओके, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। यस सर। मोस्टली गर्ल्स प्रेफर करती है टीचिंग जॉब, बैंकिंग जॉब, फिर आपने मैकेनिक फील्ड ही क्यों चुना? सर मुझे चैलेंजेस अपनी लाइफ में बहुत पसंद है इसलिए मैंने अपनी लाइफ करियर एक चैलेंजिंग जॉब में बनाना उचित समझा। ठीक, और आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं और किस तरह लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं? सर मैं वैसे तो आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, मैं हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट हो जाती हूँ, हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करती हूँ, बट आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो अपने वर्क को एक फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, अपने वर्क को लेकर लेजी नहीं है। आप जानते हैं कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि वर्क आपके पास एक्सेस आ जाता है तो आपको लॉन्ग आवर्स भी काम करना पड़ेगा, तो उस समय आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी ना मिले, तो आप कैसे मैनेज करोगे, आप काम कर लेंगे? यस सर। सर पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, ये हमारी लर्निंग स्टेज है और इस फील्ड में हमें 24/7 आवर्स कंटिन्यू खड़े रहकर वर्क करना पड़ता है और इसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, इसलिए मैं वर्क करना पसंद करूंगी सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। मोनिका आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंटरव्यू दिया, अब समय आ गया हमारे उन व्यूवर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारा वीडियो देखते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं तो लास्ट में आपको एक टिप जरूर देते हैं जो आपके इंटरव्यू में बहुत काम आती है। आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या होगा, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक वर्ड होता है, दैट इज SWOT, SWOT। प्लीज अपना SWOT एनालिसिस करके ही इंटरव्यू दें। अब आप कहेंगे सर ये होता क्या है, तो देखिए एस से होता है स्ट्रेंथ, यानी कि ये मान लीजिए कि आप तैयार रहिए कि इंटरव्यूअर आपसे आपकी स्ट्रेंथ भी पूछ सकते हैं और उसे प्रूव करने के लिए भी बोल सकते हैं, तो उस समय आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल होना चाहिए जिससे आप उसे प्रूव करें। अदर देन दैट आपकी वीकनेस, यानी कि एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, तो आपको अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए। अगर आपसे वीकनेस पूछी जाए तो आपने बहुत मेजर वीकनेस नहीं बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कहेंगे सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, सर मैं किसी भी काम को बहुत आराम से करता हूँ, डिले कर लेता हूँ, ऐसी बातें नहीं बोलेंगे, ये मेजर वीकनेस कहलाती है। हाँ छोटी वीकनेसेस आप बता सकते हैं। अदर देन दैट दो बातें आती है, दैट इज योर ONT, यानी कि आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स।
फिलहाल मोनिका इंटरव्यू दे रही है तो ऑब्वियस है मोनिका के सामने अपॉर्चुनिटी है कि मोनिका इंटरव्यू दे रही है, तो ये मोनिका के लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी अगर इनका सिलेक्शन है तो इनका सैलरी पैकेज अच्छा हो जाएगा, ये एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ जुड़ेंगे। तो मोनिका अपने नाम को कोरिलेट कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ? यस सर। प्लीज बताइए। सर आई एम मोनिका, आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम, माई नेम इज गुड एडवाइजर, और मुझे लोगों को एडवाइस करना और मोटिवेट करना बहुत पसंद है। तो स्टूडेंट्स आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने नाम को कोरिलेट कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ? इंपॉर्टेंट है, यदि आप इस तरीके की टेक्निक अपनाते हैं तो स्वॉट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मोनिका वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू।